Greetings everyone. So we are studying local purchases and their accounting in case of branch records. So last video में हमने सीखा था local purchases with debtor system. So today we'll be understanding local purchases and its effect in stock and debtor system. Now before we understand the impact of local purchases on stock and debtor system, let us first understand कि जो परचेजेस हो रही हैं स्टॉक की, तो स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में लिखते कहाँ हैं. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, देन यू नो दैट इन दिस सिस्टम वी प्रिपेयर थ्री मेन अकाउंट्स: ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच P&L अकाउंट. राइट, ये तीन अकाउंट बनाते हैं हम प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन के लिए. स्टॉक अकाउंट से हमें वी गेट टू नो अबाउट द स्टॉक बैलेंसेस एज वेल एज वी ऑल्सो हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस, आई मीन ऑफ द स्टॉक्स, दैट इज स्टॉक सरप्लस, स्टॉक डेफिसिट, और वी हैव द ट्रेडिंग गेन दैट इज अपेरेंट प्रॉफिट, और वी हैव डिस्काउंट्स ऑफ द इनवॉइस प्राइस. उसके बाद एडजस्टमेंट में हम ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वाया मेकिंग यूज ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट्स दैट इज लोडिंग एंड नॉन प्रॉफिट्स दैट इज अपेरेंट प्रॉफिट. जब आप अपने गुड्स को इनवॉइस प्राइस से ऊपर पर सेल करते हो तो आपको सरप्लसेस मिलते हैं. ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को लेके हम जाते हैं P&L अकाउंट में, और ग्रॉस प्रॉफिट से हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बाय एडजस्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. तो जो इसमें स्टॉक्स और लोडिंग का कंपोनेंट है वो मेजरली एक तो स्टॉक में आता है क्योंकि इनवॉइस प्राइस है, तो दूसरा कंपोनेंट आता है लोडिंग इन एडजस्टमेंट अकाउंट में. सो हमें यही समझना है कि स्टॉक अकाउंट में लोकल परचेजेस की क्या प्लेस है. ठीक है ना, सो जस्ट कंसिडर स्टॉक अकाउंट. नाउ व्हाट डज दिस इंक्लूड्स? ब्रांच स्टॉक अकाउंट इंक्लूड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ स्टॉक्स. आप इसमें यह दिखाते हो कि स्टॉक ब्रांच के पास स्टॉक आया कहाँ कहाँ से, प्लस कहाँ हुआ और माइनस और कहाँ गया. दैट इज यू हैव ओपनिंग बैलेंस, यू हैव गुड सेंड टू ब्रांच, यू हैव रिटर्न्स ऑल्सो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो उस डिटेल में अब हम नहीं जा रहे हैं. वट वी आर फाइंडिंग इज कि अगर ब्रांच को स्टॉक मिला है थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड वो डेबिट में आएगा, और अगर ब्रांच से स्टॉक निकला है तो वो क्रेडिट में आएगा. देन यू हैव कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और इनके रिटर्न्स ऑपोजिट साइड में, एंड यू हैव क्लोजिंग बैलेंस अपार्ट फ्रॉम लॉसेस गेन्स, वो सब आएगा. ठीक है ना, तो स्टॉक की जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ट्रांजेक्शन होती है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न, बाकी सेल है. अब इसमें अगर आप लोकल परचेज भी कर लेते हो सो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? सबसे पहली चीज़ होगी कि जो बैलेंस है ना आपके पास, ये दो तरह का होगा, एक हेड ऑफिस का होगा और दूसरा होगा लोकल परचेजेस का. यहाँ भी आपके पास स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस भी इसी तरह से आएगा, हेड ऑफिस वाला अलग आएगा, लोकल परचेजेस वाला अलग आएगा. ठीक है ना, दो तरह के स्टॉक हो गए. स्टॉक इन ट्रांजिट भी हो सकता है ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस. ये एक लास्ट एक क्वेश्चन में हमने सीखा था कि स्टॉक इन ट्रांजिट ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है. When your branch is receiving more stock during this year, head office कह रहे हैं हमने 60,000 का stock भेजा, branch कह रही है we have got 65,000 rupees of stock. तो branch को ज़्यादा कैसे मिला? ज़्यादा इसलिए मिला क्योंकि 5,000 beginning में रहा होगा. ठीक है ना, so stock in transit भी होते हैं, this type of stock is there. अब आ गई purchases. So अब purchases branch अगर खुद कर रही है तो purchases से क्या होगा? Stock आ जाएगा branch के पास, तो local purchases आपके stock account में debit side में आनी चाहिए. इसे हम किससे लिखेंगे? या तो हम लिखेंगे ब्रांच कैश अकाउंट या सिंपल कैश अकाउंट, क्योंकि अगर ये पेमेंट ब्रांच कर रही है तो ब्रांच की कैश जाएगी, एंड इफ इट इज पेड बाय हेड ऑफिस तो हेड ऑफिस का कैश जाएगा. और इन एनी केस अगर पेमेंट नहीं हो पा रही है या कम पेमेंट हो रही है तो क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस भी आएंगे. ठीक है, तो परचेज की एंट्री डेबिट साइड में आएगी. सेल तो कंबाइंड है, कोई भी सेल का स्टॉक हो वो सारा सेलिंग प्राइस पे आता है. सो सेल कहीं से भी हो रही हो स्टॉक की, वो क्रेडिट में आता है. सो लोकल परचेजेस की क्या पोजीशन रही? अगर हम लोकल परचेजेस करते हैं, दैट इज योर ब्रांच इज अलाउड लोकल परचेजेस, देन यू हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इन्वॉल्विंग लोकल परचेजेस. ठीक है, यू ऑल्सो हैव योर करेंट ईयर परचेजेस, करेंट ईयर की परचेजेस भी आपकी इसी में आ जाएंगी.
ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके अब इसमें अनदर पॉइंट दैट वी आर टू कंसिडर इज, ये तो हो गई पोजिशन, प्लेसिंग हो गई कि स्टॉक जो है स्टॉक के साथ आ जाएगा और जो परचेज करोगे वो परचेजेस के नाम से आ जाएगी, पैसा दे रहे हो तो पैसा लिख दो, नहीं तो क्रेडिटर लिख दो। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हम अमाउंट लिखेंगे, अब जो हेड ऑफिस के स्टॉक्स होते हैं वो तो सारे इनवॉइस प्राइस पे होते हैं, हेड ऑफिस तो इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेज रहा है, आप रिटर्न भी इनवॉइस प्राइस पे कर रहे हो, है ना। अच्छा परचेज रिटर्न होगी तो वो यहाँ ऑपोजिट साइड में आएगी, परचेज का उल्टा, एवरीथिंग गोज अदर वे ऑल्सो इन द अकाउंट, है ना। अच्छा अब आ जाते हैं कि इसका परचेज का अमाउंट क्या लिखेंगे। जो स्टॉक आपको हेड ऑफिस ने भेजा वो आपको नहीं पता उसकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि हेड ऑफिस इनवॉइसिंग पे भेज रहा है तो आप इनवॉइस कर लेते हो, लेकिन लोकल परचेजेस का क्या, वो तो आप खुद परचेज कर रहे हो, यू नो देयर कॉस्ट, बट वी आर टू मेक दिस अकाउंट ऑन इनवॉइस प्राइस बेसिस। इसका मतलब हमें लोकल परचेजेस को इनवॉइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लोकल परचेजेस भी आपकी इनवॉइस प्राइस पे आएंगी, लोडेड प्राइस पे आएंगी, इसे इनवॉइस प्राइस कहिए या लोडेड प्राइस कहिए, ठीक है। तो ये भी आपके लोडेड प्राइस पे आनी चाहिए। यहाँ आपने परचेज की तो पैसा तो आपका कॉस्ट जाएगा, लेकिन जो इसकी लोडिंग है वो आपको अलग लिखनी पड़ेगी एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो इसी की लोडिंग आपको एडजस्टमेंट में अलग से लिखनी है। सो ये आपके इनवॉइसिंग आपको करनी पड़ेगी अमाउंट लिखते हुए। हाँ मैनी अ टाइम्स इट डज हैपन कि हेड ऑफिस जो है ब्रांच को डिफरेंट लोडिंग बता देता है, अगेन आपको सीक्रेट रखना है ना, आप ब्रांच को ये बोल दो कि आप स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को लोड कर दो 30% पे, तो ब्रांच मैनेजर के माइंड में ये तो आएगा कि ये दूसरा स्टॉक भी फिर ऐसे ही लोडेड होगा। सो इसलिए कई बार ये हो जाता है कि आपको लोकल परचेजेस की लोडिंग अलग दी होती है। सो इन दैट केस हमारे लोडिंग के दो प्रोपोर्शंस आएंगे, प्रोपोर्शन 1 प्रोपोर्शन 2। सो आपको ये सेपरेट रखना है कि कौन सा प्रोपोर्शन यूज़ करना है, हेड ऑफिस का प्रोपोर्शन अलग रहेगा, लोकल स्टॉक्स का प्रोपोर्शन अलग रहेगा। सो कैलकुलेशंस वैसे ही करनी है, अमाउंट्स वैसे ही कैलकुलेट करने हैं, बस क्या है प्रोपोर्शन अलग आएंगे। सो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर लो। इसके बाद एडजस्टमेंट अकाउंट है, एडजस्टमेंट अकाउंट में आप लोडिंग लिखते हो तो सारे ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग, सारे गुड्स सेंट की लोडिंग, है ना, और सारे परचेजेस की लोडिंग। इसके बाद आपके पास रिटर्न्स की लोडिंग, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग, सो ऑल लोडिंग्स विल बी रिकॉर्डेड एज इट इज़, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़ बाकी अकाउंट बनेगा। बस स्टॉक अकाउंट में ध्यान रखो, नंबर 1 परचेजेस उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस होती है, परचेज आने से स्टॉक बढ़ता है, सो परचेजेस विल कम ऑन द डेबिट साइड और उसकी लोडिंग भी रिकॉर्ड करनी होगी एडजस्टमेंट के थ्रू। सेकेंडली जो स्टॉक बच जाएंगे वो आपके बाकी स्टॉक के साथ ही बैलेंस में आएंगे, तो इनकी अपनी लोडिंग होगी, तो जो रेट्स कहे जा रहे हैं उन्हीं को अप्लाई करना है। सो बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स आर लोडेड एंड दिस इज शोन एज अ बैलेंस, ठीक है ना, और आपके स्टॉक रिजर्व्स जो हैं वो एडजस्टमेंट में जाते हैं, दैट वी ऑलरेडी नो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जब हमने बैलेंस टोटल कर दिया तो हम रिजर्व भी लिख लेंगे, है ना। सो यहाँ स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में लोकल परचेजेस का स्टॉक ऐड कर दो लोड करके, और जब आपने परचेज की एंट्री करनी है तो परचेज में भी लोडिंग साथ में आपको लिखनी होगी। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू आर टू रिमेंबर, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज जाएगा, सिर्फ एक ही कंपोनेंट चेंज किया है ना कि लोकल परचेजेस और डाल दिए, तो बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ आपके सारे फॉर्मेट चलेंगे। सो लेट अस सॉल्व द सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने लास्ट किया था ना उसी को हम सॉल्व करते हैं। ओके नाउ लेट अस सी, सेम गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 50%, तो ये आपके हेड ऑफिस के लिए जो लोडिंग है वो हो गई हाफ ऑफ कॉस्ट और 1/3 ऑफ इनवॉइस प्राइस, ठीक है ना। अच्छा परचेजेस एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करेगा, लोकल परचेजेस के लिए भी हेड ऑफिस कैश भेजेगा, प्रिपेयर अकाउंट्स अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ओके ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, किसकी कॉस्ट है, हेड ऑफिस की, दैट मीन्स दिस इज द कॉस्ट प्राइस, तो इसमें लोडिंग का कंपोनेंट कितना होगा, कॉस्ट पर लोडिंग होती है हाफ इस क्वेश्चन में, सो ये हो गई 14,000, सो आपके स्टॉक जो आ जाएगा 42,000 का आएगा, 14,000 लोडिंग है, डेटर का बैलेंस आ गया, गुड सेंड टू ब्रांच, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांचेस, ट्रांसफर टू अदर ब्रांचेस बाय दिस ब्रांच, तो ये जा रहा है स्टॉक, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है ना।
अच्छा, गुड्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हो गया, गुड्स रिटर्न्ड हो गया, ये स्टॉक चला गया, बैड डेट्स हो गए, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स तो आपके पास आए, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स टू हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस को कर देते हो तो आपके पास आ भी गए और चले भी गए, क्योंकि ब्रांच के स्टॉक पर नेट इफेक्ट नहीं है, बट आया गया दोनों लिखने हैं। लोकल परचेजेस आपकी, लोकल परचेजेस हैं तो स्टॉक आ जाएगा, है ना। एक्सपेंसेस हो गए, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अब ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, हेड ऑफिस का, लोकल परचेजेस का स्टॉक इन ट्रांजिट। नाउ ब्रांच हैज़ फर्नीचर ऑल्सो, जिसमें डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। अच्छा, पर एनम में याद रखो, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम। अब ये क्वेश्चन आपका पूरे ईयर के लिए है, ठीक है। कई बार ब्रांच अकाउंट्स हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी बनते हैं, सो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन को चेंज करना होगा। अब लोकल गुड्स आर सोल्ड एट 25% ऑन सेलिंग प्राइस। लोकल गुड्स की आप सेल किस पे कर रहे हो, 25% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब अगर इसकी सेलिंग प्राइस 100 है, क्योंकि लोडिंग सेलिंग प्राइस पे है, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 25, तो कॉस्ट हो गई 75। तो इसमें जो लोडिंग है, जो प्रॉफिट का कंपोनेंट है, इट इज़ 1/3 ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में 1/3, एंड 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। ये आ गया। सो दिस इज योर लोकल परचेजेस का आपका लोडिंग का प्रोपोर्शन, तो दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है। हम करेंगे लोडिंग वगैरह, बट हमें प्रोपोर्शंस अलग अलग कर लेने हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द अकाउंट्स, सो इन द बुक्स ऑफ ट्रेविस लिमिटेड वील बी स्टार्टिंग विद दिल्ली ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अब स्टॉक की सारी इंफॉर्मेशन आप लिख दो, प्लस इधर माइनस इधर, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, है ना। अच्छा, ओके, स्टॉक आ गया आपका, बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया 42,000, बिकॉज हम बनाते इसको है इनवॉइस प्राइस पे। अब ओपनिंग स्टॉक में लोकल स्टॉक नहीं है, ओके। गुड सेंड टू ब्रांच 1,89,000, ओके। जो गुड्स सेंट थे, यहाँ ध्यान दो, गुड्स सेंट आपको ब्रांच को, एक तो ये हेड ऑफिस ने भेजे हैं, इसके अलावा दूसरी ब्रांचेस ने भी आपको स्टॉक भेजा है। सो गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस एंड बाय अदर ब्रांचेस, सो 1,89,000 एंड 12,000, सो 2,01,000, ओके। अब रिटर्न भी लिख देते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न्स, तो रिटर्न्स जो हैं, जो आपने हेड ऑफिस को किए डायरेक्टली, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, आपने 6,000 के गुड्स रिटर्न किए। उसके बाद आपके कस्टमर्स ने, ठीक है, आपके कस्टमर्स ने आपके 1,200 के गुड्स भेज दिए हेड ऑफिस को, ये भी आ गया। देन आपने खुद भी दूसरी ब्रांचेस को गुड्स भेजे हैं, सो जितनी इंफॉर्मेशन है सारी लिखेंगे, 28,200, ओके। अब आ गई आपकी लोकल परचेजेस, जिसके लिए हेड ऑफिस पेमेंट करता है, तो हम सिंपल कैश अकाउंट लिखेंगे, लोकल परचेजेस 15,000, अगर ब्रांच खुद पे करती तो ब्रांच कैश अकाउंट आता, ओके। अब आ गया लोकल परचेजेस, तो हमें साथ में इनकी एडजस्टमेंट करनी है। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या है, इसको आपको इनवॉइस पे लोड करना है, तो यहाँ लोकल परचेजेस के लिए लोडिंग क्या है, तो लोकल परचेजेज में फॉर्मूला क्या था, लोकल परचेजेज में लोडिंग है 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस और 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो हम यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन लें, क्योंकि ये परचेज प्राइस है, कॉस्ट है, तो लोडिंग का प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/3 ऑफ दिस, दैट इज 5,000, ओके। सो परचेजेज हो गई, गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न, परचेजेज। अब सेल्स लिखो, तो सेल्स में आ गया ब्रांच कैश अकाउंट, कैश सेल्स हैं 1,18,000, ओके। देन यू हैव क्रेडिट सेल्स भी होंगी, क्रेडिट सेल्स 60,000, और आपके रिटर्न्स कितने कितने हैं, सेल्स रिटर्न्स, सो आपके कस्टमर्स ने 2,400 एंड 1,200, 3,600 के गुड्स रिटर्न किए, ठीक है। तो ये सेल्स रिटर्न भी आ गया। अब आ जाते हैं बैलेंस कैरी डाउन पर। सो बैलेंस कैरी डाउन में आपके पास क्या है, हेड ऑफिस का स्टॉक है 45,000, लोकल स्टॉक है आपका 3,000, बट लोकल स्टॉक को क्या करना है, हमें लोड करके लिखना है,
सो 3000 प्लस इसकी लोडिंग 1000, 4000। लोडिंग का प्रोपोर्शन हमें पता है ना, कॉस्ट का 1/3 है। सो इसको लोड करके लिखा और स्टॉक इन ट्रांजिट आपने लिख दिया 6000। ठीक है, ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब आप सारे जो स्टॉक अकाउंट है उसको बैलेंस कर लो एंड यू कैन फाइंड आउट द डेफिशिएंसी और सरप्लस। सो अगर हम इसको टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 2,65,000 समथिंग, और यहाँ पर कितना आएगा? ओके, सो टोटल ऑफ डेबिट साइड कर लेते हैं एक बार चेक हम, 600 एंड हेयर 23, 24, 26, 66, 2,66,600। और क्रेडिट साइड का आपका टोटल कितना आ रहा है? 2,61,200। सो आपके पास क्या आ रहा है? डेफिशिएंसी आ रही है ना? डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो डिफरेंस कहाँ आ जाएगा? 5,400 का डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आ गया। सो अब इस डिफरेंस को हम क्या मानते हैं? लॉस, एबनॉर्मल लॉस। सो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, एडजस्टमेंट का प्रोपोर्शन है 1/3, सो कॉस्ट चली जाएगी यहाँ पर 1800 एंड 3600। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना? तो जो स्टॉक का लॉस आ गया उसे आपने एज अ लॉस लिख दिया। अब आ जाते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पर। सो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हमें क्या क्या लिखना होता है? लोडिंग्स। सो स्टार्ट विद द स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक है 42,000, सो इसकी लोडिंग आ गई 14,000, 1/3 ऑफ 42,000। अच्छा, गुड्स सेंट है 2,01,000, सो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, इसकी लोडिंग आ जाएगी 1/3 ऑफ 2,01,000, 67,000। उसके बाद परचेजेस में लोडिंग है 5,000, सो ब्रांच स्टॉक अकाउंट लोडिंग 5,000, ओके। अच्छा, ये तो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न को तो कुछ नहीं करते, गुड्स रिटर्न। अच्छा, अब गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, सो लोडिंग ऑफ रिटर्न्स 7,000। अब एडजस्टमेंट में आपके पास क्या आ गया? ब्रांच स्टॉक अकाउंट लोडिंग ऑफ स्टॉक शॉर्टेज 1800। उसके बाद आपके पास ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसमें लोडिंग कितनी आ जाएगी? स्टॉक रिजर्व, ये आप कैलकुलेट कर लो। हेड ऑफिस वाले स्टॉक की लोडिंग का प्रोपोर्शन है 1/3, ठीक है ना? अच्छा, लोकल परचेजेस में लोडिंग का प्रोपोर्शन है 1/4, ये लोकल का प्रोपोर्शन था ना 1/4, यहाँ हमने 1000 लोडिंग ऐड किया, वो भी ले सकते हो। और स्टॉक इन ट्रांजिट में लोडिंग का प्रोपोर्शन है 1/3, क्योंकि इन ट्रांजिट तो हेड ऑफिस का ही होगा, 18,000, ठीक है? तो ये आ गए हमारे सारे सीक्रेट प्रॉफिट्स, ये हमने इसमें डाल दिए। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है? वो आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू ब्रांच, सॉरी पी एंड एल अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट 86,000, ओके। सो यू हैव गॉट 56,800। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। सो स्टार्टिंग विद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, 56,800। नाउ रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस। सो व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट वी हैव गॉट? यू हैव ब्रांच एक्सपेंसेस 7,500, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट 7,500, ठीक है, ओके। और कौन से एक्सपेंसेस थे? एक्सपेंसेस आपके होते हैं
नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद डेटर्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, तो डेटर्स में आपके पास क्या था, एनी डिस्काउंट और बैड डेट्स, यू हैव बैड डेट्स ऑफ 2000, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ, यस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 10% पर एनम, तो पूरे ईयर के अकाउंट्स हैं, सो 750 हमारे पास आ गया डेप्रिसिएशन, ओके। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव इन केस ऑफ द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस। हाँ जी, लॉस था आपके पास यहाँ पर, ये देखो 3600 का, तो ये लॉस भी आ जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट लॉस 3600, कोई क्लेम नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम होता तो क्रेडिट साइड में आ जाता। सो सारे लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस हमने लिख लेने हैं। सो बेटर ये होता है जब आप ये अकाउंट बनाते हो तो आप एडजस्टमेंट अकाउंट एंड P&L अकाउंट पैरेलल शुरू कर दो, और स्टॉक में से आप सारे अमाउंट्स रेलेवेंट प्लेसेस पे दोनों जगह ले जाओ, अदरवाइज क्या होता है कई बार हम कॉस्ट वाला पार्ट भूल सकते हैं, ठीक है ना। सो आवर प्रॉफिट इज 42,950 रुपीज। नाउ दीज आर द मेन अकाउंट्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस वी मे प्रिपेयर ब्रांच डेटर्स अकाउंट, लाइक इन दिस प्रॉब्लम डेटर अकाउंट में आपका बैलेंस नहीं दे रखा, ठीक है ना, तो आप डेटर अकाउंट चाहो तो बना सकते हो, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपल्सरी अकाउंट्स। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन मार्क दिया होता डेटर बैलेंस क्वेश्चन मार्क, फिर यह बनाना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज ये कंपल्सरी नहीं है, इट्स योर चॉइस, इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक इट, ओके। सो मेन आपके यही तीन अकाउंट्स बनेंगे। सो आई होप दिस वर्किंग ऑफ लोकल परचेजेस इज क्लियर टू यू। सो इट इज रिकॉर्डेड हियर एज पार्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एंड इन द परचेजेस अलॉन्ग साइड लोडिंग, और लोडिंग आपने एज इट इज़ यहाँ लिख दी है, जैसे आप बाकी लोडिंग लिखते हो, और कोई भी चेंज नहीं होगा इस मेथड के, इस लोकल परचेजेस के कारण। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग, थैंक यू।